कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बहराइच की सांसद सावित्रीबाई फूले। भाजपा से बागी होने के बाद ये लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं और आज फिर इन्होंने एक बार केंद्र की मोदी सरकार पर, संघ पर निशाना साधते हुए चुनाव को लेकर के, आने वाले चुनाव को लेकर के अपनी मंशा को जाहिर करने का काम किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि भाजपा को हराने के लिए चाहे गठबंधन के साथ जाना पड़े या किसी के भी साथ जाना पड़े, लेकिन कुछ न कुछ करके भाजपा को हराएंगे, क्योंकि ये लोग आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। हालांकि किस पार्टी से ये चुनाव लड़ेंगी और किस दल के साथ ये जाएंगे, ये इन्होंने क्लियर नहीं किया, लेकिन जम करके सावित्रीबाई फूले ने भाजपा और संघ की क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में दलितों को आरक्षण मिले, इसके लिए लंबे समय से केंद्र सरकार से मांग की जा रही थी, लेकिन उन्होंने इस मांग को पूरा नहीं किया। अम्बेडकर जी का नाम लेते हुए उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा। सरकार बहुजन समाज अर्थात समाज के अत्यंत गरीब, दलित, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यक वर्ग से है, जिसके जिन्हें वास्तव में सामाजिक संवेदना एवं सरकारी मदद की जरूरत है। देश के संविधान निर्माताओं ने और विशेषकर राष्ट्र निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब देश के संविधान का प्रारूप तैयार कर रहे थे, उनका विराट हृदय सम्राट के इन अछूत वर्ग के सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन के तरफ अत्यंत संवेदनशील था। अत्यंत इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इन वर्गों को चिन्हित कर विशेष वर्ग, अनुसूचित वर्ग में रखा था और उन्हें समाज के उस मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का प्राविधान किया था, क्योंकि आरक्षण प्रतिनिधित्व प्रदान करने का जरिए मात्र है, ना कि गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है। किंतु वर्तमान मोदी सरकार ने आरएसएस के इशारे पर भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाकर उन वर्गों को आरक्षण देने का फैसला किया है, जिसका पहले से ही उनकी जनसंख्या से कई गुना ज़्यादा प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसलिए एक षड्यंत्र के तहत अपर कास्ट को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, ताकि भविष्य में दलितों और पिछड़ों जातियों को प्राप्त आरक्षण भी आर्थिक आधार पर दिया जा सके। षड्यंत्र है जिसको बिंदुवार में क्रम में रखा गया है। नंबर एक, अपर कास्ट को आरक्षण प्रदान करना भारतीय संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। यह केवल शैक्षिक एवं सामाजिक पिछड़ापन के आधार पर था, यह भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ है। नंबर दो, सवर्ण समाज के लोग जिन्होंने कहा था कि आरक्षण पाने वालों को जूता मारो सालों को, आज किस मुंह से आरक्षण पर खुशी मना रहे हैं। नंबर तीन, सवर्ण समाज के लोगों द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में आरक्षण का पुरजोर विरोध किया है, तो क्यों नरेंद्र मोदी जी जबरदस्ती सामान्य वर्ग को अछूत बना रहे हैं क्या? अब सामान्य वर्ग के लोग दलितों एवं पिछड़ों के साथ रोटी बेटी का संबंध रखेंगे? नंबर चार, मोदी सरकार सवर्ण समाज को आर्थिक आधार पर आरक्षण देकर धीरे धीरे जातिगत आधार पर प्राप्त दलितों एवं पिछड़ों के आरक्षण के साथ साथ धोखा करना चाहती है, यही आरएसएस की मंशा भी है। नंबर पाँच, उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़ों के साथ एक और बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है, जिसमें आरक्षण को पिछड़े, अति पिछड़े एवं अति दलित में बांट कर समाज में फूट डालने का षड्यंत्र किया जा रहा है, जिसका जीता जागता प्रमाण आप सबको टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से पढ़ने को सुनने को मिलता होगा कि नरेंद्र मोदी जी कार्यपालिका में अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जातियों के आरक्षण को समाप्त कर दिया है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की व्यवस्था नहीं दिया है, जिसके नाते हमारा अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़ी जातियों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के संविधान को समाप्त करने की साजिश लगातार रचते जा रहे हैं। यही नहीं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का बयान था कि हम भारत के संविधान की समीक्षा करना चाहते हैं, भारत के संविधान में दिए गए आरक्षण की हम समीक्षा करना चाहते हैं। बीजेपी के ही राज्यसभा के सांसद
सुब्रमण्य स्वामी का बयान था कि हम भारत के संविधान आरक्षण को ऐसा समाप्त करेंगे कि रहना न रहना बराबर।